करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद एक और नया सियासी रंग सामने आ गया है। नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान तो गए थे, लेकिन वहां पर जो बातचीत हुई या फिर वहां पर जो स्टेटमेंट का दौर चला, उसके बाद भारत के अंदर काफी सारी रिएक्शंस देखने को मिल रही हैं। बड़ी बात यह है कि रोजाना पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को स्पॉन्सर करना, हाफिज सैयद जैसे आतंकवादी को पाकिस्तान के अंदर संरक्षण देना और बाजवा के साथ सिद्धू साहब का मिलना, वह पहले भी ऐसा हो चुका है और इस बार भी। क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना का, आइए बात करते हैं। रविंदर जी, नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान जाना, कॉरिडोर खोला गया, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से वहां पर स्टेटमेंट्स का दौर चल रहा है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा ही अपनी सरजमी हिंदुस्तान के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, पाकिस्तान में लश्कर जैश हिजबुल के ऑफिसेज हैं, पाकिस्तान के अंदर हाफिज सैयद छुपा है, पाकिस्तान के अंदर अजहर मसूद, शेख सलाउद्दीन, दाऊद इब्राहिम और हाफिज सैयद जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो दुर्दांत आतंकवादी हैं, वो उनको पाकिस्तान ने शरण दे के रखी है। पाकिस्तान में शरेआम घूमते हैं आतंकवादी, आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां मुहैया कराता है। इमरान खान को अगर सच में पड़ोसी देश के साथ हमदर्दी है, अमन चाहता है, तो इमरान खान को आतंकवाद बंद करना पड़ेगा। इमरान खान को लश्कर जैश और हिजबुल वालों के आतंकी जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं आतंकवादियों के, वो बंद करने पड़ेंगे। जो भारत विरोधी अभियान पाकिस्तान की जमीन से चलता है, वो बंद करना पड़ेगा, तो जाके इस खित्ते में शांति आएगी। नवजोत सिद्धू को गले से लगाने से शांति नहीं आने वाली है। और पता नहीं क्यों सिद्धू के दिल में और इतनी गद्दारी कहां से हो गई, पता नहीं क्यों जो नवजोत सिद्धू है इसका खून सफेद क्यों हो गया है, पता नहीं। सिद्धू तो जब इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते थे या जब सियासत में शुरू में आए तो अच्छा काम करते थे, अचानक कांग्रेस पार्टी का उन्होंने मेंबरशिप धारण करते ही सिद्धू के तेवर बदल गए। मेरे को लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सिद्धू ऐसे पाकिस्तान नहीं जा सकता। इमरान खान की शपथ समारोह में सिद्धू गया, उसके बाद वहां क्या सिद्धू अपनी पार्टी का एक मोहरा बन के रह गया? सिद्धू को कहीं ना कहीं, आप क्या सोचते हो कि सिद्धू इमरान खान के जब कसम परेड थी वहां गया तो अपनी मर्जी से गया होगा? सिद्धू को राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी वालों ने भेजा होगा। अब फिर करतारपुर कॉरिडोर खोला है, वहां केंद्र सरकार, भारत सरकार और ये दो देशों के बीच में थे, तो विदेश मंत्रालय ने हरसिमरत कौर जी को भेजा। सिद्धू को क्या जरूरत पड़ी थी? पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैं मानता हूं कि वो आज भी फौजी हैं जी, लेकिन सिद्धू गद्दार हो गया। सिद्धू की गद्दारी और सिद्धू कांग्रेस के नेताओं के इशारों पर पाकिस्तान जा रहे हैं। कल बाजवा और चावला भी वहां पर मिले, आपने देखा होगा तस्वीर। ये बड़ी चिंताजनक बात है कि सिद्धू ने पहली बार गए और पाकिस्तान के आर्मी के जनरल बाजवा से मिले। बाजवा कौन है? जो पाकिस्तान के आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, जिनको हथियार सप्लाई करता है और वो कश्मीर आके बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं। शर्म आनी चाहिए नवजोत सिद्धू को। हमारा 11वीं क्लास का स्टूडेंट पुलवामा में 16 साल का बच्चा दहशतगर्दों ने मार दिया पुलवामा में, 20 गोलियां उसके जिस्म में मारी। क्या सिद्धू कभी उसके घर में गए, उसके घर वालों को सीने से लगाया, उसके साथ खड़े हुए कभी हमदर्दी जताई सिद्धू ने? हमारी आर्मी के जवान, पुलिस के जवान, BSF, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, SSB, ITBP, CRPF के जवान जो देश के लिए शहीद होते हैं, सिद्धू के पास एक मिनट की फुर्सत नहीं है देश के शहीदों के घर जाकर उनको सलाम करना, और चले जाते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों को गले मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी गद्दारी कर रहा है नवजोत सिद्धू। देश सिद्धू को माफ नहीं करेगा। अगर सिद्धू को इतना ही प्यार है, वो चला जाए पाकिस्तान।
ये देश गुरु गोविंद सिंह जी का देश है, ये देश गुरु तेग बहादुर जी का देश है, ये हिंदुस्तान माता गुजरी का देश है। यहाँ देश के गद्दारों के लिए जगह नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी, बंदा बैरागी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु देश के लिए कुर्बान हुए और आज देश के अंदर गद्दारी हो रही है। कल नावेद जट मारा गया जो सुजात बुखारी का कातिल था, और आज रियाज नाइकू के दो बड़े एसोसिएट्स मारे गए, तीन बड़े आतंकवादी बचे। क्या 2018 के अंत तक सिक्योरिटी फोर्सेज इन तीनों आतंकियों को भी जो है निस्तो नाबूद कर देगी? बिल्कुल, हम ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और पिछले 120 घंटों में 25 से ऊपर आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। जो बंदूक उठा के आएगा, किसी बेगुनाह का कत्ल करने की कोशिश करेगा, 11वीं क्लास में पढ़ते छोटे छोटे बच्चों को 20-20 गोलियां मारेंगे, हमारे पुलिस के जवानों को हमला करेंगे। चौधरी मोहम्मद औरंगजेब ईद का जश्न मनाने घर जा रहे थे, उसको आपने मारा। शब कदर की रात श्रीनगर में जामिया मस्जिद के बाहर डाउनटाउन में डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की आपने लिंचिंग की, उनके पूरे जिस्म को नोचा आतंकवादियों ने। ये आतंकवादी, ये हुर्रियत वाले, ये दरिंदे हैं, दरिंदे, मानवता के दरिंदे, इनको छोड़ेंगे नहीं हम। एक आखिरी सवाल मेरा, J&K बैंक के ऊपर भी सियासत शुरू हो चुकी है, जो गवर्नर साहब का जो एक ऑर्डर आया और उसके साथ रोशनी एक्ट के ऊपर जो बड़ा एक फैसला लिया, क्या रोशनी एक्ट के अंतर्गत कई सारी ऐसी जमीनें थी जो कुछ अरबों खरबों रुपए के घोटाले कांग्रेसियों ने किए जब गुलाम नबी आजाद ने रोशनी एक्ट यहां लाया था। इसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, आम गरीब को फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो बड़े बड़े कांग्रेसी हैं इनके नाम से हजारों कनाल स्टेट लैंड कब्जा कर ली। और उस वक्त जो दूसरी पार्टियों के भी नेता थे, जो जो आज रोशनी एक्ट जो गवर्नर साहब ने आज जो आदेश दिया है, जो जो रोशनी एक्ट गवर्नर साहब का जो इस अध्यादेश के खिलाफ बोल रहे हैं, समझो वो चोर हैं, बेईमान हैं। और जो जो जेके बैंक की ऑटोनॉमी, या जो जेके बैंक को RTI के तहत लाया, जेके बैंक का सारा पैसा लूट खसूट के यहाँ के नेताओं ने अरबों नहीं खरबों रुपया दुबई में होटल, लंदन में होटल, मुंबई में होटल, दिल्ली में होटल, पैसा लेना अरबों खरबों रुपया, बाद में NPA करा देना। NPA होता नॉन प्रोग्रेसिव अकाउंट, मतलब हमने ये लोन लिया था इस प्रोजेक्ट के लिए, इस होटल के लिए, इसमें हमको फायदा नहीं है, तो वो बैंक से पैसा चोरी छिपे वो लोन माफ करा देते थे। पैसा गरीब जम्मू कश्मीर की आवाम का खाएं ये चोर, जो जो इन दोनों फैसलों के खिलाफ बोल रहा है, समझो चोर है, समझो गद्दार है, और समझो जेल में जाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे रविंदर रैना जी, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी मोहरे की तरह यूज कर रही है। आप लोग देखते रहे JK मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चल्होत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए।